दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह में आप किसे बेहतरीन कप्तान समझते हैं इस वीडियो में कमेंट करके अपना कीमती राय जरूर दें। इंडिया वर्सेज पीएम 11 के बीच खेले गए 46 ओवर का इस रोमांचक मैच में दोस्तों इंडिया ने इस मैच को बेहतरीन तरीका से जीत लिया। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस पीएम 11 के खिलाफ टीम इंडिया का प्रदर्शन उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से रहना चाहिए। रोहित शर्मा सिर्फ 3 रन बना करके चलते बने और उसके बाद जैसे मानो कि खिलाड़ियों का पतझड़ लग गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि एक ऐसा आया जिन्होंने अपने कंधे पर टीम इंडिया को उठा करके जीत दिलवाया दोस्तों। लेकिन आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे 5 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में 5-0 से इस सीरीज को जीते तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि पीएम 11 वर्सेस टीम इंडिया का मैच हुआ जो मैच 46 ओवर का खेला गया। अब पीएम 11 कौन सा, तो पीएम 11 ऑस्ट्रेलियाई पीएम 11 टीम था और सामने थी टीम इंडिया। टीम इंडिया के खिलाफ पीएम ऑस्ट्रेलियन टीम ने 240 रन बनाए और पूरे 10 विकेट गवा दिए। ऑल आउट होते हुए 240 रन बना लिए थे पीएम ऑस्ट्रेलिया टीम ने 43.2 ओवर में, जिसके तरफ से सैम कॉन्स्टेंस ने 107 रनों की बेहतरीन पारी खेली। वहीं पर रेंसो 5 और गेकविन 4 रन बनाए। जैक क्लेटन ने 40 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उसके बाद ओलिवर 0 पे और जैक एडवर्ड जो कि कप्तान थे इस टीम के सिर्फ 1 रन बना सके। सैम हैप पर 0 और एडम कोपर 4। वहीं पर दोस्तों बात करें हैनो जैकब का तो उन्होंने 61 रन बनाए जो कि बेहतरीन पारी था। वहीं पे बात करें बॉलिंग का तो सिराज ने 260 का इकोनॉमी से 1 विकेट लिया, 7 ओवर 1 मिनट में 18 रन दिए। वहीं आकाशदीप 2 विकेट और हर्षित राणा ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 4 विकेट हासिल किए। प्रसिद्ध कृष्णा 1, वॉशिंगटन सुंदर 1 और नीतीश रेड्डी को कोई विकेट नहीं, रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। दोस्तों बात करें वहीं पर टीम इंडिया का तो टीम इंडिया का शानदार बल्लेबाजी रहा। 45 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल ने 59 गेंदों पर बेहतरीन पारी खेली। वहीं पे केएल राहुल भी 37 रन बनाकर के रिटायर्ड हट हुए। वहीं पे बात करें दोस्तों शुभमन गिल का तो शुभमन गिल ने इस मैच में बेहतरीन पारी खेला और 62 गेंदों का सामना कर 50 रनों की नापाक पारी खेली और उसके बाद रिटायर हट ले लिया। लेकिन रोहित शर्मा कप्तान थे इस टीम के और आते ही 3 रन बना करके आउट हो गए। नीतीश रेड्डी 42 और वॉशिंगटन सुंदर भी 42 रनों की अहम पारी खेली। उसके बाद रविंद्र जडेजा 27, सरफराज खान 1, देवदत्त पाटिकल 4 रन बनाए। लेकिन टीम इंडिया इस मैच को 5 विकेट से जीत गया। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया भले ही इस मैच को 6 विकेट से जीत गया हो लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा बात ये रहा इस मैच में कि रोहित शर्मा फ्लॉप साबित हुआ और इस तरह से रोहित शर्मा का लगातार खराब प्रदर्शन दोस्तों चिंताजनक है। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए लव यू ऑल, बाय।